हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मनाजीस मेन्यू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन 65 की रेसिपी। तो चिकन 65 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये बहुत ही सिंपल, बेस्ट और आसान तरीका है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं चिकन 65। बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए चिकन। तो ये 400 ग्राम बोनलेस चिकन है, इस तरह से छोटे पीसेस करके मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद मसालों में 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये 1.5 टीस्पून जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। तो 1/2 लेमन और 1 अंडा अच्छे से इस तरह से फेंट कर साइड में रख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन पे डालेंगे लेमन जूस, और उसके बाद सभी मसालों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा फूड कलर यहाँ पर मैंने इसमें डाला है, ना डालें तो ही बेहतर है। अब बारी है इसमें अंडा डालने की। अंडा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन 65 बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ज़रूर मैरिनेट करें 1-2 घंटे के लिए। तो ये हमारा मसाला तैयार है, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो पहले डालना भूल गई थी। तो जब सूखे मसाले आप डालें तभी अदरक लहसुन को भी इसमें डालकर इसको मिक्स कर दें, और अब रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो 1 घंटे के बाद अच्छे से चिकन जो है तैयार है मैरिनेट होके। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4। अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो ये हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसको चिकन डाल देंगे इसमें, खुला खुला करके इस तरह से आप डालें। इस तरह से, और 2-3 मिनट इसको तल लेंगे। फिर इसको टर्न करके फिर 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर इसको आप फ्राई कर देंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और चिकन जो है हार्ड हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखें। और ये हमारा चिकन तैयार है, बहुत ही जूसी यम्मी सा चिकन। तो ऑलमोस्ट चिकन 65 जो है तैयार हो चुका है। हमारी तरफ इसी तरह से चिकन 65 बनाया जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए तड़का भी इसको लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है, उसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ 5-6, और 4-5 जो है ग्रीन चिलीज इस तरह से इसमें चीरी लगा के, और फ्रेश करेपाक यानी कि कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी भर के आप इसमें डालें, और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करें मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस, तो 1-2 स्पून ही ग्रीन चिली सॉस इसमें डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 चुटकी, को अच्छे से मिक्स करते हुए अब इसमें डाल देंगे चिकन 65, और जो करी लीव्स और इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है उससे इसमें बहुत ही इसका जायका जो है बढ़ जाता है, डबल हो जाता है इसका फ्लेवर। तो इसको 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लें। तो अब ये हमारा चिकन 65 बनकर तैयार है, इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही जूसी यम्मी चिकन 65।
तो ये इस तरह से मैंने इसको सर्व कर दिया है, थोड़ी सी प्याज और नींबू के साथ। तो दाल चावल या किसी के भी साथ तो ये जो डिश है बहुत ही मज़ेदार होती है, तो ज़रूर बनाइए और आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।